गुड मॉर्निंग, आई एम रामकंठ फ्रॉम नेचुरल ब्लेसिंग वीडियोज फ्रॉम यूट्यूब। आज है 20 जून और अभी हम एक फार्म हाउस में हैं। उस फार्म हाउस का दौरा करेंगे, उसमें जो जो है वो इस वीडियो में आएगा। करीब 10 मिनट के करीब का ये वीडियो रहेगा और तब तक आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड अभी हम चलते हैं। ये है जी छोटी सी मशीन इंजन के साथ, जो ये देखो खुदाई करती है खेत में। और अभी हम चलेंगे बहुत ग्रीन फार्म हाउस, और जिसमें कुछ सब्जियां भी हैं और पानी का प्रबंध तो बहुत ही बढ़िया किया हुआ है। ये देखिए दवाइयाँ और पानी का प्रबंध इस तरह से किया जाता है, आप देख सकते हैं। देखिए मशीन के साथ किस तरह से ये किस्म की लाइनें टाइप बनाई जाती हैं, उसके बाद इनके में सब्जियाँ डाली जाएंगी। अभी हम शुरू होते हैं मक्की के साथ, बिल्कुल हरे भरे। आप हैं गांव बक्सीवाला पिंजौर तहसील के पास में। ये है जी लेडीज फिंगर, बिल्कुल लाइन में, वेल मेंटेन्ड सिस्टमेटिक ढंग से। 1 2 3 4 5 6 छः लेन है। ये देखिए ये है सौर सापला, मीन्स सौर ऊर्जा वाला। ये है जी घिया की बेल, ये करेला, बिल्कुल लाइन में बड़े सिस्टमेटिक ढंग से गिर गई है। ये आप देख सकते हैं लाइन में, बिल्कुल एक साइड में मोरों की आवाज़ के साथ बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल जगह पर। यहाँ पर कोई पोल्यूशन नहीं है, आप देख सकते हैं ये करेला। परंतु इसमें मेहनत, दवाइयाँ, बहुत कुछ खर्चा है, उसके बाद ठीक ही ठीक बचता है। आप देख सकते हैं करेला, यस। इसके साथ मिर्ची भी हैं, ये मिर्ची का पेड़ देखिए, ये लाइन पूरा मिर्ची का है, हरी मिर्ची, और ये फंटास्टिक। ये खरबूजा, ये है मक्का, पूरा एक लाइन में फेंसिंग के साथ बिल्कुल सुरक्षित, विद सनराइज एंड रेज ब्लेसिंग्स ऑन द अर्थ। ये गोबर का खाद बहुत ही उमदा काम करता है खेती की उपज में। ये देखिए पाइप लगाकर, पाइप ये सभी एक एक लाइन में जाते हैं ताकि अच्छी तरह से पानी का सदुपयोग हो सके। आप देख सकते हैं ये सब वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही बढ़िया। काफ़ी लंबा चौड़ा फील्ड है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं सब चीज़ों को कवर करते करते फिर वीडियो थोड़ा बोरिंग हो जाता है। ओके देन, होप यू मस्ट हैव लाइक दिस वीडियो, इफ सो देन प्लीज सब्सक्राइब इट and give your valuable comments. Thanks a lot. Take care.